ओम साई राम। मेरे प्यारे बच्चे, सबका अपना अपना तरीका होता है अपनी भक्ति दिखाने का। कोई अपने शब्दों से तो कोई अपनी शांति में मुझे याद करता है। कोई मेरी लीला गाता है तो कोई मेरा नाम जपता है। जो भी मुझसे मिलने पवित्रता के साथ आता है वो मेरा आशीर्वाद जरूर पाता है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम्हारी भक्ति में समर्पण है। भक्ति बिना समर्पण के सार्थक नहीं होती। समर्पण इंसान के अंदर एक दिव्य शक्ति को जन्म देती है। मुझे ढूंढने से ज़्यादा ज़रूरी है खुद को ढूंढना, और वो आसान भी होना चाहिए तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें उसी पल मिल जाऊंगा जिस पल तुम खुद को पालोगे। इंसान कहता रहता है, उसे कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता। क्यों ना तुम कोशिश करो खुद को जानने की, खुद को सुनने की। इंसान को समस्याएं तब दिखती हैं जब उसकी नज़र अपने उद्देश्य से हटती हैं। ठीक अर्जुन जैसे अपने लक्ष्य पे हमेशा नज़र रखो, बाकी सब अपने आप सुलझ जाएगा। तुम्हारी शिद्दत में इतनी ताकत है कि समस्त ब्रह्मांड भी नतमस्तक हो सकता है। अगर कोशिश और तैयारी के बावजूद तुमने कोई अवसर खोया है तो हताश मत होना, क्योंकि वो तो सिर्फ आने वाले बड़े अवसर की तैयारी थी। इस बार आने वाला अवसर का लाभ भी तुम उठाओगे और शोहरत भी तुम कमाओगे। अपने आप को सकारात्मक विचारों से सशक्त करो। अपने प्रयासों, कड़ी मेहनत का फल लेने के लिए तैयार हो जाओ। जब मन में संतोष, सौहार्द और शांति होगी, वहाँ समृद्धि, धन दौलत का होना स्वाभाविक है। तुम्हारे लिए सब शुभ है, सब शुभ ही होगा। अपने साईं के लिए एक बार फिर मुस्कुरा दो। तुम्हारी हर एक मुस्कान मुझे बहुत बहुत पसंद है। जय साईं राम।